और अब बात कोरोना की दवा की कर लेते हैं, जिसे बनाने का दावा स्वामी रामदेव ने किया है। लेकिन रामदेव की इस दवा पर आयुष मंत्रालय ने तलवार लटका दी है। मंत्रालय की ओर से दवा को अभी तक कोई भी मंजूरी नहीं मिली है। वहीं दवा की बात, मंत्रालय ने दवा को लेकर पतंजलि से पूरा ब्यौरा मांगा है। कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 2-7 डेज और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए। जब पूरी दुनिया कोरोना से हलकान है, तब बाबा रामदेव ने कोरोना की रामबाण दवा का ऐलान कर सबको चौंका दिया। लेकिन बाबा रामदेव के इस ऐलान के चंद घंटों के बाद ही आयुष मंत्रालय के एक बयान से तमाम सवाल खड़े हो गए। सिर्फ 7 दिनों में कोरोना के इलाज के दावे पर आयुष मंत्रालय हरकत में आ गया और स्वतः संज्ञान लेते हुए साफ किया कि उन्हें इस तरह की दवा की कोई जानकारी नहीं है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से दावों पर जानकारी मांगी। पतंजलि से पूछा, कोरोनिल दवा में इस्तेमाल किए गए तत्वों का विवरण दे। जहां दवा पर अध्ययन किया गया है उस जगह का नाम, हॉस्पिटल का नाम, प्रोटोकॉल, सैंपल साइज की भी डिटेल मांगी है। संस्थागत आचार समिति की मंजूरी, CTRI रजिस्ट्रेशन और अध्ययन के नतीजों का डेटा भी मांगा गया है। मंत्रालय ने साफ किया कि जब तक मामले की जांच नहीं हो जाती, तब तक इस तरह के दावों के विज्ञापन पर रोक लगे। आयुष मंत्रालय की इस आपत्ति के बाद पतंजलि ने लंबी चौड़ी सफाई पेश करते हुए अपने दावे को साबित करने के लिए आयुष मंत्रालय को सबूत पेश किए। आयुष के इस बयान के बाद बालकृष्ण ने ट्वीट करके जानकारी साझा की है, जिसमें विवरण दिया गया है और जानकारी आयुष मंत्रालय के साथ साझा करने की बात कही है। ये सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन और गौरव देने वाली है। जो कम्युनिकेशन गैप था वो दूर हो गया है और रैंडमाइज्ड प्लेसेबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के जितने भी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उन सबको 100% फुलफिल किया है। इसकी सारी जानकारी हमने आयुष मंत्रालय को दे दी है। वहीं बाबा रामदेव का कहना है कि दवा के रिसर्च में सारी गाइडलाइन का पालन किया गया है, जिसके बाद दवा को बाजार में लाया जा रहा है। मैं इतना ही बोलूंगा कि हमने 100% जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए पैरामीटर्स गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित हैं, जो जो अप्रूवल लेने चाहिए थे लेकर के किया। मुझे लगता है एक थोड़ा कम्युनिकेशन गैप था, वो खत्म हो गया है। अब इसमें कोई विवाद नहीं है और हमको तो कोई विज्ञापन करने की जरूरत ही नहीं है। इस समय लाखों लोग ये दवा मांग रहे हैं और ना हमारी कोई विज्ञापन करने की मंशा है। हाँ, जो औषधि के परिणाम आए, जब भी कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल होता है तो उसके रिजल्ट अनाउंस करते हैं, वो हमने भी किए और आपने खुद भी उस नीम्स के डॉक्टर से पूछा है, ये डेटा कोई छुपे हुए नहीं है। बाबा रामदेव का दावा है कि दवा का ट्रायल NIMS में किया गया, जहां के डायरेक्टर ने दवा की टेस्टिंग प्रभावी होने की बात मानी है। पेशेंट्स में ऐसा है कि इसमें रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। इसमें जो पतंजलि के रिसर्च पब्लिकेशन जो उन्होंने हमें दिया है पब्लिकेशन, उसमें यह है कि 3% 3 दिन में 69% पेशेंट ट्रीट हो गए थे और पूरी तरह ठीक हो गए थे और बाकी जो मरीज थे वो भी 7 दिन में पूरी तरह सही हो गए। तो इसका रिजल्ट इफेक्टिवनेस 100% है। बहरहाल मामले को लेकर अब खींचतान शुरू हो गई है। बाबा जहां सारी प्रक्रिया पूरी होने और दवा के 100% रिकवरी रेट का दावा कर रहे हैं, वहीं आयुष मंत्रालय दवा को हरी झंडी देने को लेकर किसी जल्दबाजी के मूड में नजर नहीं आ रहा है। जयपुर से देव अंकुर, दिल्ली से मिलन, संजय शर्मा, अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। रामदेव की दवा के दावे पर आयुष मंत्रालय ने सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन बाबा ने दवा से 100% कोरोना के इलाज की गारंटी दी है। क्या है पतंजलि का दावा, आइए देखते हैं। कोरोना की दवाई कोरोनिल और स्वासारी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। जिस बीमारी ने 4.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली,
दुनिया के करीब 190 देशों में 92 लाख से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर दिया, जिसके इलाज दुनिया भर के वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। उस कोरोना की काट खोजने का दावा पतंजलि ने किया है। बाबा रामदेव का कहना है कि उन्होंने कोरोना की दवा बना ली है, जिसे नाम दिया गया है कोरोनिल। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत गौरव का क्षण। रामदेव ने 545 रुपए में एक कोरोना किट तैयार की है, जिसमें दवा के तीन हिस्से हैं। पहली कोरोनिल, दूसरी स्वासरी और तीसरी दवा है अणु तेल। बाबा के मुताबिक यह दवा पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर ने मिलकर बनाई है। ये रिसर्च बेस्ड दवा है, जिसके दो ट्रायल किए गए हैं, पहला क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी और दूसरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। पतंजलि के मुताबिक दवा के ट्रायल में देश के अलग अलग शहरों के 280 रोगियों को शामिल किया गया, जिसमें 100% मरीजों की रिकवरी हुई। एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया। 3 दिन के अंदर 69% रोगी रिकवर हो गए, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। 7 दिन के अंदर 100% रोगी रिकवर हो गए। रामदेव ने दावा किया कि दवा का रिकवरी रेट 100% है, वहीं डेथ रेट 0 है। कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 2-7 डेज और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए। पतंजलि के मुताबिक दवाई को बनाने में सिर्फ देसी सामान का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मुलेठी काढ़ा गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, श्वासरी, अणु तेल का इस्तेमाल किया गया। अश्वगंधा से COVID-19 के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी RBD को शरीर के एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE से नहीं मिलने देता, यानी कोरोना इंसानी शरीर के स्वस्थ कोशिकाओं में घुस नहीं पाता। वहीं गिलोय कोरोना संक्रमण को रोकता है। तुलसी COVID-19 के RNA पर अटैक करती है और उसे मल्टीप्लाई होने से रोकती है। अणु तेल नाक में डालने से रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी वायरस के मौजूद होने पर उसका अंत होता है, साथ ही श्वासारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है। ये दवा दिन में 2 बार सुबह और शाम को ली जा सकती है, जो कि 1 महीने का डोज होगी। रामदेव ने दवा के जल्द बाजार में आने की बात कही थी, लेकिन आयुष मंत्रालय की सख्ती को देखते हुए दवा के जल्द बाजार में आने के आसार कम नजर आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। देश भर में कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से चढ़ रहा है, तो वहीं राजधानी में भी कोरोना ब्लास्ट हुआ है। महज 24 घंटे में करीब 4,000 मरीज सामने आए हैं। आंकड़ा 66,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना भले ही कहर ढा रहा हो, लेकिन राजनीति भी कम नहीं है। दिल्ली सरकार ने होम क्वारंटीन को लेकर पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग की है, तो वहीं केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच ट्विटर पर सवाल जवाब का दौर जारी है। मुंबई के बाद जो शहर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है, वो है दिल्ली, यानी देश की राजधानी। दुनिया भर में कोहराम मचाने वाला चीनी वायरस राजधानी पर भी कहर ढा रहा है। एक दिन में सामने आने वाले मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3,947 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 68 मरीज जिंदगी की जंग हार गए। कोरोना मरीजों के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक राजधानी में 66,602 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से होने वाली कुल मौतों की संख्या है 2,301, हालांकि 39,313 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। दिल्ली में इस वक्त 24,988 एक्टिव केस हैं। होम क्वारंटीन किए गए मरीजों की संख्या है 12,963। दिल्ली सरकार होम क्वारंटीन को लेकर व्यवस्था में किए गए बदलाव का विरोध कर रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पुरानी व्यवस्था लागू करने के लिए LG को खत लिखा है। उनका कहना है कि नई व्यवस्था में मरीजों को जांच के लिए क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा और मरीजों की परेशानी दोनों बढ़ गए हैं।
अगर अभी का आंकड़ा देखें तो 10,000 से ज़्यादा लोग इस समय होम आइसोलेशन में हैं और क्वारंटीन सेंटर्स में केवल 6,000 बेड्स हैं। तो 10,000 लोगों को अगर लेकर जाएंगे आज ही तो 6,000 बेड्स पे कहाँ लेके जाएंगे, और रोज़ाना करीब 3,000 के करीब पेशेंट्स आ रहे हैं कोरोना के, उससे ज़्यादा ही आ रहे हैं। होम क्वारंटीन की पुरानी व्यवस्था को लागू करने के लिए मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी खत लिखा है। अमित शाह को एक खत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लिखा, और राधास्वामी सत्संग मैदान में बनाए गए 10,000 बेड्स के कोविड केयर सेंटर के निरीक्षण का आमंत्रण दिया। साथ ही इस सेंटर के लिए ITBP और आर्मी के डॉक्टरों और नर्सों को भेजने की मांग भी की। जवाब ट्विटर पर आया। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, प्रिय केजरीवाल जी, 3 दिन पहले ही हमारी बैठक में ये फैसला हो गया था और गृह मंत्रालय ने ITBP को दिल्ली के राधास्वामी व्यास में 10,000 बेड वाले कोविड केयर सेंटर के संचालन का जिम्मा सौंप दिया है। काम पूरे जोरों पर है और कोविड केयर सेंटर का एक बड़ा हिस्सा 26 जून तक शुरू हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी बताया कि DRDO और टाटा ट्रस्ट मिलकर दिल्ली में 1,000 बेड और 250 ICU वाला कोविड हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल का संचालन भी सेना के हवाले होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर ही केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। केजरीवाल ने लिखा, देश की सेना, डॉक्टर्स, सामाजिक संस्थाएं, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार सभी मिलकर दिल्ली के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। इन कठिन परिस्थितियों में दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोगों की मदद के लिए शुक्रिया। स्वास्थ्य मंत्रालय साफ कर चुका है कि अभी कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, लेकिन जिस तेजी से कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है वो लोगों को डराने लगा है। सरकारी अस्पतालों में इंतजाम अभी भी नाकाफी है। पंकज जैन और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में पहली बार BMC मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को रोकने के लिए ड्रोन से दवा का छिड़काव कर रही है। बरसात से पैदा होने वाली बीमारियों पर लगाम लगाने में इससे मदद मिलेगी। मुंबई में ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार मलेरिया और डेंगू के लार्वा को मारने के लिए किया जा रहा है। BMC ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दवा छिड़कने की शुरुआत ड्रोन के जरिए की है, क्योंकि कई बार बरसात का पानी जिसमें लार्वा पैदा होता है ऐसी जगहों पर भरता है जहां BMC के वर्कर नहीं पहुंच पाते। ये जो ड्रोन है ये काफी बड़ा है, ये कमर्शियल यूज के लिए ये ड्रोन है। अब इसे उड़ाया जा रहा है जो धोबीगढ़ का इलाका है उस इलाके में। देखिए BMC के कर्मचारी मौजूद है। ये ड्रोन के अंदर जो इंसेक्टिसाइड है वो पूरी तरीके से भरा गया है। आपको बता दें कि फिलहाल 25 लीटर से ज्यादा इंसेक्टिसाइड है वो इसके अंदर भरा गया है। अब देखिए इसमें से वो इंसेक्टिसाइड अब गिरना शुरू हो गया है, और देखिए ये जो पर्टिकुलर एरिया है वहां पर इस पूरे ड्रोन के सहारे इस इंसेक्टिसाइड को स्प्रे किया जा रहा है। ये ड्रोन के सहारे हम एरियल सर्वे भी कर सकते हैं, जहां पे हमें ब्रीडिंग स्पॉट्स, मॉस्किटो ब्रीडिंग स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं जो हम स्पॉट कर रहे हैं, और वहां पे एट द सेम टाइम हम इंसेक्टिसाइड द्वारा एंटी लार्वा ट्रीटमेंट भी करना शुरू किया है। तो इसके सहारे ब्रीडिंग स्पॉट जो है वो डिस्ट्रॉय भी किए जा सकते हैं, और हमें केसेस कम करने का मनोबल इस बार है। ये ड्रोन एक बार में 50 लीटर दवा का छिड़काव कर सकते हैं। BMC ने ड्रोन का इस्तेमाल लॉकडाउन के दौरान कंटेनमेंट जोन में पेट्रोलिंग और पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए किया था। पिछले 5 सालों का केसेस का ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है कि एक 8 से 10 लोकेशन ऐसे है कि जहाँ पे ही रिपीटेटिव केसेस आते हैं, और दीज आर द एरिया जहाँ पे इनएक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो हमने मैप किए हुए हैं। और जो डेंगू मलेरिया का जो पैटर्न होता है वो ब्रीडिंग का जो एरियाज होते हैं, अगर उनको 1 से 7 दिन के अंदर हमने आइडेंटिफाई करके अगर उनके डिस्ट्रॉय किया तो उसका स्प्रेड वहाँ पे नहीं होता। ये प्रोजेक्ट सफल रहता है तो कोरोना की वजह से मैनपावर की कमी झेल रही BMC को भी थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी।
मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई से सटे नएगांव में 3 महीने से ज्यादा समय के बाद टीवी सीरियल्स की शूटिंग शुरू हो पाई है। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और पूरे क्रू के लिए कोरोना काल में शूटिंग नई चुनौतियां लेकर भी आई है। पूरे 3 महीने बाद आखिरकार शुरू हुई मुंबई में शूटिंग दंगल टीवी के सीरियल प्यार की लुका छिपी का हुआ पहला शॉट। अपर्णा दीक्षित ने पूरे 3 महीने बाद अपना पहला शॉट दिया। मास्क लगाकर मेकअप किया, मास्क लगाकर घर से सेट तक की सवारी की। देखिए लॉकडाउन के बाद कैसे बदल गया है सीरियल्स की शूटिंग का नजारा। अब हर तरफ हर क्रू ने मास्क लगाया हुआ है, कलाकार मास्क लगाकर मेकअप करा रहे हैं, गाड़ी सैनिटाइज हो रही है, सेट पर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा गया है और कुछ ऐसे नियमों के साथ शुरू हुई मुंबई में शूटिंग। तो आज हम अपर्णा दीक्षित हमें दिखाएंगे कैसा रहा उनका पहला दिन शूटिंग का। सो फाइनली आज पहला दिन है शूट का आफ्टर द लॉकडाउन और सुबह मेरा बहुत हेक्टिक था क्योंकि मुझे सारा खाना खुद बनाना था और आज 7 की शिफ्ट है एंड इट्स ऑलमोस्ट 6:20 राइट नाउ। तो फिर मैं निकल रही हूँ फटाफट अपने शूट के लिए, बट उससे पहले मास्क। सो मैं मास्क पहनती हूँ फटाफट, जिसके बिना घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। अपर्णा मास्क लगाकर तैयार है अपने सीरियल लुका छिपी के सेट पर जाने के लिए। अपर्णा रहती हैं मुंबई के मलाड इलाके में और इनका सेट है मुंबई से थोड़ा दूर नायगांव में रामदेव फिल्म सिटी में, जो एक ग्रीन जोन है। भाई घर से सेट तक जाने के लिए और अपनी गाड़ी भी देखिए कैसे सैनिटाइज हो रही है। यूसुफ ऑलरेडी चलो। फाइनली अपर्णा सेट पर पहुंची और शुरू किया अपना मेकअप। मुझे डर लग रहा है मास्क उतारने में, तो मैंने सोचा है कि मैं पहले मास्क पहनकर उसके ऊपर मैंने टिश्यू रख लिया है, मैं अपना आई मेकअप कराऊंगी और उसके बाद हम बाकी मेकअप करेंगे। सो चलिए दादा। और देखिए अपर्णा का मेकअप कितना अलग ढंग से हो रहा है, पहले चेहरे पर मास्क लगा है और उसके बाद मेकअप शेकअप। और तमाम शर्तों के साथ मेकअप हुआ पूरा। तो मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ, अभी आई एम जस्ट वेटिंग कि जब सेट रेडी होगा तो मुझे अपने सीन के लिए जाना है और सीन मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है फोन में। हम लोग हार्ड स्क्रिप्ट मैंने ही मना किया था कि हार्ड कॉपी मुझे ना दें क्योंकि पेपर्स फालतू में किसने टच किया होगा अगर मुझे टच करना पड़े, तो मैंने अपने फोन में मंगा लिया है और मेरा फर्स्ट लुक आफ्टर लॉकडाउन ये है, सिंपल सा, आई एम हैप्पी। और ऑफकोर्स क्योंकि एक्टर्स हैं, मेकअप लगाया हुआ है तो हम मास्क नहीं पहन सकते हैं, बट बाकी सब ने मास्क पहने हैं। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। और देखिए लॉकडाउन के बाद ये था अपर्णा का पहला शॉट और इस तरह शुरू हो गई मुंबई में सीरियल्स की शूटिंग। लेकिन अभी थोड़ी अड़चनें बाकी है, देखना होगा कैसे 3 महीने से थमी सीरियल की दुनिया में शूटिंग शुरू हो गई। आज तक ब्यूरो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं, आज वो विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे। कल राजनाथ सिंह ने रूस के डिप्टी पीएम से मुलाकात की थी और दोनों देशों के बीच रक्षा सौदों पर अहम बातचीत हुई, लेकिन एलएसी पर तनाव के मद्देनजर चीन इस मुलाकात और बातचीत से चिढ़ गया है। कोरोना संकट के दौर में मोदी सरकार के किसी भी मंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में हैं। वैसे तो ये यात्रा पहले से तय थी, रूस के विक्ट्री डे परेड के लिए उन्हें न्योता था, लेकिन एलएसी पर बने ताजा हालात में रक्षा मंत्री के इस दौरे के मायने बेहद अहम हैं। राजनाथ सिंह के अलावा चीन समेत कई देशों के रक्षा मंत्री इस वक्त मॉस्को में हैं, लेकिन रूस के इस बड़े आयोजन में भारत की मौजूदगी से चीन क्यों जला भुना जा रहा है, इसका जवाब भी मौजूदा हालात में ही छिपा है। व्लादिमीर पुतिन के इस वर्ष भारत आगमन को लेकर भी हम काफी उत्सुक हैं। भारत और रशिया का एक स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप है। हमारा डिफेंस रिलेशनशिप इसका एक महत्वपूर्ण पिलर है। रूस के हथियार बाजार का अभी भी सबसे बड़ा आयातक भारत ही है, लेकिन आयात निर्यात के अलावा दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंध भी चीन को कांटे की तरह चुभते हैं, वो भी तब जब दोनों देशों में रक्षा सौदों को लेकर अहम बातचीत हो रही हो।
रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जल्द देने का भरोसा दिया है। दोनों देशों के बीच $5 बिलियन का सौदा अक्टूबर 2018 में हुआ था। सौदे के तहत रूस भारत को 5S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा, जिसकी डिलीवरी अगले साल के बीच से शुरू होनी है। इसके अलावा दोनों देशों में SU-30 MKI और MiG-29 विमान, अत्याधुनिक AK-203 राइफल, हल्के हेलीकॉप्टर जैसे कई रक्षा उपकरणों और हथियारों की खरीद को लेकर बातचीत चल रही है। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा, और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। लेकिन चीन को इन सौदों पर इतना एतराज है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली में रूस से अपील कर दी गई कि ऐसे हालात में वो भारत को हथियारों की सप्लाई ना करे। लेकिन सच ये है कि संबंधों की कूटनीति रूस को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। As they say in Russian, स्तारीय द्रुगलुचे नोविक दुवक means an old friend is better than two new friends. चीन को मंगलवार को ही एक और झटका लगा जब रूस ने भारत और चीन के मामलों में दखल देने से इनकार कर दिया। भारत की नीति अपने द्विपक्षीय मुद्दों में तीसरे देश को शामिल नहीं करने की रही है। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस ने भारत के रुख का ही समर्थन किया। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।